आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एक वायर स्ट्रेनर है, इसकी सर्विस करेंगे। इसकी सर्विस करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके जो वाल्व हैं, यानी कि मेन वाल्व, ये वाला वाल्व, इसको बंद करना है। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी सप्लाई की लाइन के ऊपर लगा हुआ है, पंप की डिस्चार्ज की लाइन के ऊपर, ये भी है बेहतर, ये भी बंद कर लें। और उसके बाद ये है जी, ये सक्शन साइड पे गेट वाल लगा हुआ है, इसको आपने बंद करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस लाइन के अंदर जो पानी रह जाएगा उसको आपने इस वाल को खोलना है जो कि ड्रेन साइड पे लगा हुआ है। ये ड्रेन लाइन में आपका पानी इस ड्रेन लाइन की मदद से आपकी मेन ड्रेन में चला जाएगा। जब आपका ये खाली हो जाएगा पंप, ये लाइन खाली हो जाएगी, स्ट्रेनर खाली हो जाएगा, तो फिर आपने खोलना है इसको। वो क्या खोलना है अभी मैं आपको, ये आपने ये जो स्टड बोल्ट्स लगे हुए हैं, नट बोल्ट्स खोलने हैं, और यहां से इसको हैंग करना है। इसको आपने सपोर्ट देनी है, इसको सपोर्ट देनी है, क्योंकि ये काफी वजनी है, इसका जो स्ट्रेनर कवर है। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इन बोल्ट्स को खोल के इसको आपने बाहर निकाल लेना है। तो ऑटोमेटिकली जब ये आप खोलेंगे तो इसके अंदर जितना भी कचरा होगा वो आपका बाहर की साइड पे आएगा। ये आप देख रहे हैं, इसको हम कवर को हटाएंगे सारे नट को खोल के, तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये आपका स्ट्रेनर आपको सामने नजर आएगा। तो ये आपको साफ नजर आ रहा है, लेकिन इसको हमने जब खोला तो जितना भी कचरा होता है वो आपकी प्लेट के अंदर होता है, जो आप इसका कवर खोल रहे हैं सामने से। ये आप देख रहे हैं, ये जो कचरा ये सारा निकला है, ये इसके अंदर से निकला है। ये बेसिकली हमने इसकी सर्विस की है पहले, सर्विस करने के बाद आपने बाद में स्ट्रेनर सर्विस करने होते हैं, पहले आप इसके कूलिंग टावर की सर्विस करें, तमाम आपके टावर के अंदर जो स्ट्रेनर है उनकी सर्विस करें, लाइन की फ्लशिंग कर लें, फिर आपने इन दी एंड आपने जो पंप की सक्शन लाइन के ऊपर स्ट्रेनर लगे हुए हैं उनको आपने सर्विस करना है। तो अब ये आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने इसके अंदर पानी के प्रेशर इसको सर्विस कर लिया, उसके बाद आपने इसको गैस किट लगा के इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी स्ट्रेनर सर्वर के ऊपर, एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूं, ये बिल्कुल एक छोटी वीडियो 3 मिनट की। उसके बाद आपने इनको क्रॉस टाइटिंग कर देनी है, क्रॉस टाइट करें, कभी भी आप इनको एक सीरीज में बोल्ट टाइट ना करें। We'll be right back.